बालाघाट नगर की यातायात व्यवस्था तकलीफ देने के साथ साथ अब लोगों की जान पर भी बनती दिखाई दे रही है। नगर में आए दिन दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन है कि व्यवस्था सुधारने में नाकाम ही साबित हो रहा है और हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला बालाघाट नगर के बैहर रोड का है, जहाँ दोपहर में ट्रक की चपेट में आई दो कॉलेज की छात्राओं की मौत हो गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा बरपा तो मौके पर पुलिस और प्रशासन को दल बल के साथ उतरना पड़ा। बालाघाट नगर में यातायात व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, बावजूद इसके स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर नगर पालिका भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। नतीजतन नगर में आए दिन दर्दनाक हादसे का शिकार होकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। खासकर पिछले कुछ दिनों में स्कूटी से चलने वाली महिलाएं ही हादसों का अधिक शिकार हो रही है। ताज़ा मामला महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा आयुषी बांगरे अपनी सहेली के साथ स्कूटी से बैहर रोड से जा रही थी, तभी बैहर रोड पर ट्रक ने उन्हें दौड़ डाला। इस हादसे के बाद एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरी छात्रा की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने काफ़ी देर तक सड़क पर घटना का विरोध किया, जिसके चलते मौके पर कोतवाली पुलिस SDM तहसीलदार को दलबल के साथ मौके पर पहुँचना पड़ा, जहाँ समझाइश के बाद लोगों ने विरोध खत्म किया। जोर से आवाज आई भड़क करके, मैं घर से दौड़ते हुए आया, देखा तो ट्रक आगे खड़ा हुआ और दोनों लड़कियां उसके ट्रक के नीचे आ गई, और तो एक लड़की तो स्पॉट पर ही ख़त्म हो गई और ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। ड्राइवर के पीछे दौड़े, मोहल्ले के लड़के दौड़े, हम भी दौड़े, ड्राइवर को पकड़ के लाए, ड्राइवर दारू पिया हुआ। लड़कियां अपने साइड से जा रही थी, ड्राइवर ने समझी अपनी गलती के कारण लड़कियों की जान। हादसे का जिम्मेदार हम ट्रैफिक को मानते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है। बैहर रोड में पूरा शहर का हाई ट्रैफिक चलता है। अभी बीच में वन वे हुआ था, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी थी, नो एंट्री छूटती है। जितने हैवी व्हीकल हैं वो पूरे हैवी व्हीकल इसी रोड से जाते हैं, चाहे वो वनोपज हो, चाहे धान का हो, चाहे माइनिंग का हो, या चाहे रेत सीमेंट जो भी हो, सारे व्हीकल इसके ऊपर जाते हैं। और इतनी सकरी रोड है और इस रोड पे एकदम से ट्रैफिक बढ़ जाता है, और वैसे भी आज शुक्रवार का दिन ट्रैफिक अधिक था इस रोड के ऊपर, गनीमत है कि उस ड्राइवर ने ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में नहीं लिया, अन्यथा और बड़ा हादसा यहाँ पर होता। अतिक्रमण पे भी कार्रवाई चल रही है, इस रोड पे भी अतिक्रमण की कार्रवाई हटने की बात शेड्यूल है, तो हटे जाएगी। लोगों का कहना है जिन्होंने पकड़ा है उसको, बात सही है क्या? पुलिस विवेचना कर रही है और FIR दर्ज हो रही है, अगर वो रेस ड्राइविंग का केस होगा तो नोट आउट। एक और चीज लगातार जो है सड़क हादसे में इजाफा हो रहा है, अभी दो दिन पूर्व ही एक महिला की मौत हो गई थी, फिर ये हादसा हो गया और लगातार शहर में ऐसे इजाफे होते आ रहे हैं, इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कलेक्टर महोदय जो है वो ट्रक से हैवी व्हीकल से एक्सीडेंट होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, तो उनको अस्पताल भिजाया गया है, जहाँ सूचना मिल रही है कि उनकी मृत्यु हुई है। मौके पर देखा है कि जगह और ट्रैफिक की जो समस्या है यहाँ के लोगों की, उनको नोट डाउन कर लिया है। एक जगह पुलिया की समस्या बताई है तो नगर पालिका से उसको ठीक करा रहे हैं, और भी जो पूर्व में भी जो व्यवस्थाएँ थी यहाँ ट्रैफिक की, अगर वो समुचित पाई जाएंगी तो प्रशासन द्वारा निर्णय लेकर तत्काल ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक बात ट्रक ड्राइवर की है तो उस पर अपराध दर्ज।